अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के करीब एक गांव है, वहाँ पे जा रहे हैं बच्चों को साथ लेके। आज संडे का दिन है और संडे को छुट्टी भी है, और आज हम विज़िट करेंगे एक करीब तीन गांव है। वहाँ दोस्त हमारा बिशारत, उसकी तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। ठीक है, ओके। हर पहर हर घड़ी लब पे अपने रहे नारे है दरी जान है बरस जान मुश्किल कुशा। अब शारद गोंदल के फार्म हाउस पे और वो सामने से आ रहे हैं। शारद गोंदल ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बैठते हैं तो विजिट करते हैं इनका बाग, तो आए बैठते हैं। बिशारत साहब ये बिशारत साहब हैं, देखें बहुत अच्छा दरख्त के नीचे चारपाइयों के ऊपर और चेयर्स, बहुत ही ज़बरदस्त गाँव का माहौल और बेहतरीन निज़ाम। ठीक है, अच्छा पता है कि उन्हें ड्राइव करने का ना वो है ना प्रोसेस, वो पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया ने फ्रूट फ्लाई जरा पौधा है लेमन का। ये देखिए कितना बड़ा लेमन है, अभी ये तैयार नहीं हुआ, जब ये तैयार हो जाएगा तो समझ लें कितना बड़ा होगा। ये एक नया उन्होंने दरियाफ्त किया है लेमन। ये लीमू का फल है और उन्होंने एक जदीद लीमू, इतना बड़ा अभी ये छोटा है, उसने और बड़ा होना है। 1 किलो का लीमू का ये एक फल होता है, ठीक है। 1 किलो का फल जब बड़ा होगा तो 1 किलो का एक लीमू होगा। ये चीज़ हमारे बशारत गोंदल साहब ने ये एक पौधा लगाया है, और देखें जब बड़ा होगा तो समझदार हैं आपके कितना, ये तकरीबन ये इतना बड़ा साइज़ एक लीमू का होगा। ये है लीमू, देसी लीमू, ठीक है। और ये ज़बरदस्त पौधा है लीमू का, इसमें भरा हुआ है लेमन के साथ देसी लेमन। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खाने के लिए भी, और ये नायाब चीज़ है। और फिर ठीक है, ये भी आम, ठीक है, ये आम की भी नस्ल है और खूबसूरत पौधा भी है, और देखें इसका कमाल का ये पौधा है, ठीक है। और ये आपने ऐसा आम कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। ओके, ये देखें पूरा आमों से भरा हुआ है, देख रहे हैं वो नीचे देखो ये वाला, हाँ ये देखें मिलते हैं। ये देखें आम का पौधा, छोटा सा दरख्त है और आम देखें हैंड रीच तक ये आम आ रहा है, और अभी ये कच्चा है, जब पकेगा तो ये है आई होप के चौसा आम है ये, ठीक है। चौसा आम अभी भी ये कच्चा है, कुछ दिनों में पकेगा और तैयार हो जाएगा, फिर इसको खाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये देखो फसल लगी हुई है शिकरी की, शिकरी मौसमी की नस्ल होती है, तो खाएं पूरा तो खाएं। ये देखें पूरी जो है ये फसल माशाल्लाह से ये शिकरी की है। शिकरी बहुत मीठा मौसमी की तरह फल होता है, ठीक है। ओके, ये देखें जी ये चाय आई है हमारे लिए, चाय केक।
खेती बाड़ी करने के लिए, चले फसल के लिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। ओके तूफान आया है, शदीद तूफान, वाला मौसम है और बादल, जखड़, अंधेरी, फान, ये देखें मौसम है, फान वाला मौसम है। और ये देखें अभी हम चाह रहे हैं कि इस डेरे से वापस जाएं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं वापस, तो फिर कभी आएंगे किसी और डेरे पे। ये था शरत मुर्गल साहब का डेरा। ये देखें सारी जो ज़मीन है ये इनकी ज़मीन है, ये देखें ये इनका पीछे घर है, डेरा भी साथ ही है, साथ ही घर है। और अभी हम जो हैं वापसी की राह लेंगे, मिलते हैं फिर किसी दिन। ओके, अल्लाह हाफिज़।